मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से एक इंदौर लोकसभा सीट अब एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। इस सीट से अब कांग्रेस और भाजपा के अलावा भी एक कद्दावर प्रत्याशी ताल ठोंकने की तैयारी में है। यह प्रत्याशी 2018 के विधानसभा चुनाव में अस्तित्व में आई सपाक्स पार्टी से होंगे। बताया जा रहा है कि सपाक्स पार्टी इंदौर लोकसभा सीट से राजपूत समाज के नेता शेर सिंह राणा को चुनाव मैदान में उतार सकती है। मंगलवार को सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह भदौरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। सपाक्स पार्टी 17 अन्य दलों को लेकर के पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। 55 से 60 सीटों पर सपाक्स पार्टी अपने चुनाव चिन्ह झूले पर चुनाव लड़ रही है। उन 17 दलों में एक दल शेर सिंह राणा ने भी बनाया, क्योंकि उनको चुनाव चिन्ह फाइनल नहीं हुआ। वो हमारे चुनाव चिन्ह पर सपाक्स पार्टी के साथ है और हमारे चुनाव चिन्ह पर सपाक्स पार्टी पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं शेर सिंह राणा। भदौरिया ने बताया कि शेर सिंह राणा को इंदौर से प्रत्याशी बनाने के लिए सपाक्स द्वारा एक सर्वे कराया गया था, जिसमें उनके लिए कई समर्थकों ने अपनी राय व्यक्त की थी। इसके बाद ही पार्टी ने उन्हें यहाँ से टिकट देने का निर्णय लिया। शेर सिंह एक मामले में अभी जमानत पर बाहर हैं, जिसके चलते उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। इसके लिए भी पार्टी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। यहाँ की जनता की मांग थी, एक सर्वे कराया गया एक दिन पहले। सिर्फ एक दिन के सर्वे पे 10,000 लोगों के कमेंट्स आए कि शेर सिंह राणा को इंदौर से चुनाव लड़ना चाहिए, जिस पर 1,25,000 व्यू आए। जहाँ एक जिले में, आप इंदौर जैसे जिले में अगर एक दिन में 1,25,000 व्यू आते हैं, तो आप निश्चित सोचिएगा कि इंदौर की जनता की मांग है कि शेर सिंह राणा को चुनाव लड़ाया जाए। हम कोर्ट के हर निर्णय का सम्मान करेंगे। अगर कोर्ट उन्हें अनुमति देता तो हम चुनाव लड़ाएंगे, और नहीं अनुमति देता तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं राजपूत समाज से आने वाले शेर सिंह के इंदौर से चुनाव लड़ने से वोटों के ध्रुवीकरण की बातों को सपाक्स के नेता ने नकारा। उन्होंने कहा कि वे सभी वर्गों की पसंद है, इसीलिए उन्हें मैदान में उतारा जा रहा है। सपाक्स पार्टी जातिगत आधार पर के खिलाफ है। सपाक्स का पार्टी का उद्देश्य है कि हम किसी भी जातिगत चीजों का विरोध करते हैं। हम तो समान विचारधारा वाली बात करते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में एक झंडा, एक कानून और एक समान विचारधारा हो। अगर कोई आरक्षण जैसे मुद्दों की अगर कोई बात होती है तो उनका आर्थिक आधार होना चाहिए, ना कि जातिगत होना चाहिए। ये एक गर्व की बात है कि कोई जाति उनका समर्थन करती है तो ये उनका सम्मान करती है, तो ये निश्चित रूप से राजपूत अगर करते हैं तो ये उनके लिए गर्व की बात है, हम भी उनके साथ हैं। वहीं पार्टी के संभागीय संयोजक सुचित्रा दुबे ने बताया कि सपाक्स इस बार कई मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव के मैदान में है। इंदौर में पार्टी का प्रमुख मुद्दा शहर के यातायात को दुरुस्त करना और महिलाओं के प्रति लगातार बढ़ रहे अपराधों को कम करने का होगा। ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो यदि कभी भविष्य में ऐसा हमारे पास कुछ ऐसा करने का मौका मिला तो सबसे पहले हम इंदौर के ट्रैफिक को सुधारने के लिए कुछ काम ज़रूर करेंगे। बाकी और भी बहुत से मुद्दे हैं जो समय समय पर हम देखेंगे, यदि उन्हें ठीक करने का हमें मौका मिला तो हम ज़रूर करेंगे। मध्य प्रदेश के बारे में कि ये महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा हिंसात्मक होता जा रहा है, तो एक हमने पहले भी एक उठाया था मुद्दा कि स्वच्छ इंदौर के साथ साथ हम सुरक्षित इंदौर पर भी काम करना चाहते हैं। तो हमारी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होगी कि हम स्वच्छ इंदौर के साथ साथ सुरक्षित इंदौर, उसमें खास तौर से महिलाओं और बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए हम एक सुरक्षित इंदौर का प्रोजेक्ट जरूर चालू करेंगे। शेर सिंह राणा का नाम फूलन देवी हत्याकांड में और फिर अफगानिस्तान जाकर पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत लाने के लिए चर्चाओं में था। फिलहाल वे फूलन देवी की हत्या के मामले में निचली अदालत से दोषी हैं तथा यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की भोपाल सीट से मालेगांव ब्लास्ट के आरोपित प्रज्ञा ठाकुर को उतारने के बाद अब एक बार फिर इंदौर से भी शेर सिंह राणा के लड़ने की खबरों ने इस सीट पर राजनीति के पारे को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंट इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।